सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ जिन स्टूडेंट्स के पास में भारतीय संस्कृत है, उन स्टूडेंट्स के लिए चतुर्थ पाठ है जिसका नाम है प्रजानु रंजको नृपः, यानी कि प्रजा को प्रसन्न रखने वाला नृप ही यानी कि राजा। इस पाठ के मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और आपको एक एक शब्द का अर्थ बताता हुआ चलूंगा। सो वीडियो को अंत तक एंड तक ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपके पास में भारतीय संस्कृत है तो उसकी भी ट्रांसलेशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी। ट्रांसलेशन करने से पहले एक बार इस पाठ के बारे में जान लेते हैं, क्या है, किस ग्रंथ से लिया गया है वगैरह वगैरह। यहाँ प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन प्रारंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करता है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष में एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजापालन, प्रजानुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है, यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। आगे चलते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। पहले श्लोक के साथ त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसि विजिगीषुणां प्रजायै गृहमेधिनाम। त्यागाय यानी कि त्याग के लिए, संभृतार्थानाम यानी कि धन एकत्रित करने वाले, सत्याय यानी कि सत्य के लिए, मित भाषिणाम थोड़ा कम बोलने वाले, मित भाषिणाम यानी कि थोड़ा कम बोलने वाले होता है ना, तो सत्य के लिए थोड़ा कम बोलने वाले। यश से यानी कि यश के लिए, विजी गिशुणाम यानी कि विजय की इच्छा रखने वाले, वी जिगीषुणाम का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाले। प्रजायै, प्रजायै का अर्थ होता है संतान के लिए। गृह मेधिनाम का अर्थ होता है विवाह करने वाले रघुवंशियों का, उनका मैं वर्णन करूंगा, ऐसा कालिदास जी कहते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयीषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगिनान्ते तनुत्यजाम। शैशवे यानि कि बचपन में, अभ्यस्त विद्यानाम यानि कि विद्या का अभ्यास करने वाले, यौवने यानि कि यौवन में या युवावस्था में, विषयीषिणाम माने भोग की इच्छा रखने वाले, वार्धकी यानी कि बुढ़ापे में, मुनि वृत्ति नाम यानी कि मुनियों की भांति जीवन व्यतीत करने वाले, योगी नान्ते योगिन प्लस अंते, अंते यानी कि और अंत में, योगिन यानी कि योग से और अंत में, योग के द्वारा ननुत्यजाम यानी कि शरीर का त्याग करने वाले रघुवंशियों का, यानी कि अंतकाल में, अंतिम समय में योग के द्वारा शरीर का त्याग करने वाले रघुवंशियों का मैं वर्णन करूंगा, ऐसा कालिदास जी कहते हैं। देखते हैं तीसरे श्लोक को, होप आपको समझ में आ रहे होंगे। रघुनामन वयम वक्षे तनुवाग विभवो यपि सन तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः तनु वाग्भी भवः।
तनु यानी कि थोड़ा सा, और वाग यानी कि वाणी, वाक अभव यानी कि वैभव, यानी कि वाणी का वैभव थोड़ा होते हुए भी, सन यानी कि उन, रघु नाम अन्वयम, उन रघुवंशी राजाओं का या उन रघुवंशी राजाओं के गुणे हैं यानी कि गुणों का, उन गुणों से कर्णम आगत्य का अर्थ होता है कर्णम प्लस आगत्य यानी कि कर्ण में आकर, कर्ण में आने का मतलब है प्रभावित होकर, उन गुणों से प्रभावित होकर चापल आया यानी कि चपलता के कारण रघुवंशियों के कुल का वक्षे यानी कि वर्णन करूंगा या वर्णन कर रहे हैं। और प्रचोदितः का अर्थ होता है प्रेरित होकर यानी कि उनके गुणों से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर रघुवंशियों के कुल का वर्णन कर रहे हैं। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन मही क्षीत तामाद्यः प्रणवश छंद सामिव। वैवस्वतः का अर्थ होता है सूर्य वंश से उत्पन्न, मनीषिणाम यानी कि विद्वानों में, माननीयों यानी कि माननीय यानी कि सम्मान के योग्य, विद्वानों में सम्मान के योग्य छंदसाम, छंदसाम का अर्थ होता है वेदों में, और प्रणव का अर्थ होता है ओम या ओम शब्द यानी कि वेदों में ओम शब्द, इव यानी की भांति यानी कि वेदों में ओम शब्द की भांति, महीक्षिताम यानी कि राजाओं में, आद्यः यानी कि आदि यानी कि सबसे पहले यानी कि राजाओं में सबसे पहले, मनुर नामः यानी कि मनु प्लस नाम यानी कि मनु नाम, और आसित यानी कि थे यानी कि सूर्य वंश में उत्पन्न, विद्वानों में सम्मान के योग्य, वेदों में ओम शब्द की भांति, और महिक्षिताम यानी कि राजाओं में सबसे पहले मनु नाम थे। होप आपको चौथा श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पांचवें श्लोक को। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु रिंदु क्षीर निधान विवाह। तदन्वय तद प्लस अन्वय यानी कि उस वंश में, शुद्धिमती यानी कि पवित्र यानी कि उस पवित्र वंश में, क्षीर निधो यानी कि क्षीर सागर में, इंदुहु यानी कि चंद्रमा यानी कि क्षीर सागर में चंद्रमा, और इव यानी की भांति यानी कि क्षीर सागर में चंद्रमा की भांति शुद्धिमत्तरः यानी कि अत्यंत शुद्ध या पवित्र यानी कि अति अत्यंत पवित्र राजेन्दुः यानी कि राजाओं में, और अत्यंत पवित्र राजाओं में दिलीप यानी कि राजा दिलीप का नाम आपने सुना होगा, तो राजा दिलीप प्रसूतः यानी कि हुए। एक बार फिर से देख लेते हैं। उस पवित्र वंश में, अन्वय यानी कि वंश होता है, उस पवित्र वंश में क्षीर सागर में यानी कि क्षीर सागर यानी कि जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं उसे क्षीर सागर कहते हैं, तो क्षीर सागर में इंदुहु यानी कि चंद्रमा, क्षीर सागर में चंद्रमा की भांति, और शुद्धिमत्तर यानी कि अत्यंत पवित्र राजा दिलीप प्रसूतः यानी कि हुए, अत्यंत पवित्र राजाओं में, राजेन्दु यानी कि राजाओं में, अत्यंत पवित्र राजाओं में राजा दिलीप हुए। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं छठे श्लोक को। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। आकार सदृश प्रज्ञः इसका अर्थ होता है आकार सदृश प्रज्ञः यानी कि आकार के सदृश यानी कि समान, आकार के समान प्रज्ञः यानी कि बुद्धि वाला, यानी कि आकार के समान बुद्धि वाला प्रज्ञया सदृशागमः यानी कि बुद्धि के अनुरूप, आगमैः सदृशारंभ
यानी कि शास्त्रों के अनुसार कार्यों को आरंभ करने वाला, तथा आरंभ सदृशो दयः, तथा आरंभ में आरंभ के समान फल की सिद्धि वाला, यानी कि प्रारंभ में समान फल की सिद्धि वाला। इसमें लिखा हुआ है आरंभ प्लस सदृश प्लस उदयः, यानी कि आरंभ के समान उदय होने वाला, यानी कि उदय का अर्थ होता है फल, फल की सिद्धि वाला, ऐसा वह राजा दिलीप था। तो यहाँ पर राजा दिलीप की बात हो रही है, इसलिए तो ये जो विशेषण है ये राजा दिलीप के लिए ही प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में। सो होप छठा श्लोक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन करेंगे श्लोक संख्या 7 से। सो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।